नमस्कारो। भगवान बुद्ध को क्षत्रिय कहते हैं जबकि 6 वर्ड पाली के अंदर कहीं नहीं है। भगवान बुद्ध जो थे, यानी जो भगनवान बुद्ध थे या भगवा थे जिन्होंने भग्न किया, वो क्षत्रिय नहीं थे, वो थे क्षेत्रिय, यानी कि खेत वाले। क्योंकि पाली भाषा के अंदर 6 वर्ड नहीं होता। 6 जो शब्द है वो आधा के और शे से मिलके बना हुआ है। 6 शब्द बाद में आता है जो छांदस में आता है। ये आधा के और खे है, इसको खेतीय बुला करते थे। जितने भी खेती किसान करने वाले लोग थे वो सारे खेतीय लोग थे और खेतीय कहलाते थे। भगवान बुद्ध यानी भगनवान जो बुद्ध थे, भगवा थे, वो शाक्य थे। शाक्य जो संसार का बड़ा से है उससे बनता है, क्योंकि शे शब्द पाली में नहीं होता। और वो जो शाक्य शब्द है, यानी शाक्य है, इसका मतलब साग सब्जी पैदा करने वाले। कहते हैं, बताते हैं कि भगनवान बुद्ध के यानी भंगी बुद्ध के घर में इतने उन्होंने खेत बनाए थे कि वहाँ 1000 हल चला करते थे और वो सबसे बड़े खेत में काम करने वाले थे। भगवान बुद्ध यानी भगवान बुद्ध भी 11वीं जब वो 11 साल के थे तो अपने खेत में धान बोने के लिए गए। वहाँ के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे खेतीय लोग थे। आज भी खत्री और खेतीय नाम के लोग होते हैं, और जितने भी किसान और फार्मर लोग हैं पुराने, या शाक्य वंश के लोग हैं, या मौर्य वंश के लोग हैं, या कुशवाहा वंश के लोग हैं, या चीवर वंश के लोग हैं, वो सारे के सारे आज भी किसान हैं। क्योंकि भारत के अंदर अधिकतर जो काम होता था वो खेती का होता था, और जो खेती का काम करते थे उनको खेतीय बोलते थे। इसलिए कोई आदमी अगर ये कहता है कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, और वो ऐसे क्षत्रिय थे जो तलवार लेकर लड़ते थे, तो उस समय सेनाएं भी नहीं होती थी, क्योंकि शाक्य वंश के अंदर कोई सेना का सबूत नहीं मिलता। वहाँ कोई स्थापित सेना या स्थापित चीज़ें नहीं मिलती हैं। शाक्य कुल के जितने लोग थे वहाँ गणतंत्र था, और वहाँ के सारे लोग मिलजुल के बात को करते थे। अगर कोई झगड़ा होता था तो सब लोग साथ जाते थे। इसलिए सेना कोई पेड सेना थी, या सेना बनाई गई, या कोई क्षत्रिय था, या किसी ने छत्र रखा, ये बात की बात है। खेतीय शब्द खेत शब्द पाली में मिलता है, इसलिए भगवान बुद्ध खेतीय थे, किसान थे, फार्मर थे, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है, पाली के लोग खासतौर से जानते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।